रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिटिक थ्योरी। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है वो सिगमंड फ्रॉयड है और कार्ल यूंग एंड जैक लैकन। ठीक है, ये तीन नाम है। तो सबसे पहले हम करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी को स्टार्ट। ये वो ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी का, कहा गया कि एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच है, मतलब एक थ्योरी ऑफ नॉलेज है जो डेफिनेशन, जो ओपिनियन और एक बिलीफ को डिस्टिंक्शन उसकी बताती है, डिफ्रेंशिएट करती है कि उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ये उसकी एक ब्रांच है जो ह्यूमन साइकी से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। अब साइकी क्या होती है? साइकी होती है आपकी जो थॉट, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, आपकी सोल। दि साइकी इज़ द इमटीरियल पार्ट ऑफ द पर्सन। इमटीरियल का भी यही कहेंगे कि ये फिजिकल पार्ट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल पार्ट है। जैसे आप इसको टेंजिबल नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, साइकी को, साइकी वो है जो आपकी स्पिरिट, आपकी सोल में है या आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, द इमटीरियल पार्ट है। द इमटीरियल पार्ट टेक्स डायमेंशन फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूज इट्स डायमेंशन अंटिल डेथ। जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये तब से ये चीज़ चलती है और उसकी डेथ तक ये एक प्रोसेस चलता है। ह्यूमन साइकी जो है वो बर्थ से लेकर डेथ तक ये काम करती है, अपना एक फंक्शन करती है। The psyche, unlike brain or heart or head, is not a physical or biological component of the person. It is socially and culturally construct. ठीक है, ये कोई biological component नहीं है बल्कि ये एक socially और culturally construct है कि आप अपने environment से चीज़ें जो है वो pick करते हो, absorb करते हो और उसके accordingly आप behave करते हो, जैसा आपके साथ behavior किया जाता है या जो आप learn करते हो अपनी surrounding से। ठीक है, तो socially और culturally construct है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, साइको एनालिसिस इज़ अ टाइप ऑफ थेरी थेरेपी दैट एम्स टू रिलीज पेंट अप और रिप्रेस्ड इमोशंस एंड मेमोरीज टू लीड द क्लाइंट टू कैथारसिस और हीलिंग। ठीक है, कि अगर किसी जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा पेंट अप इमोशंस होते हैं जो बड़े कन्फाइंड होते हैं अंदर, मतलब दबा के रखे हुए हैं, रिप्रेस्ड हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ यादें होती हैं, आप उनको जो है वो आप उसको इस काबिल बनाते हो कि वो उनको रिलीज़ कर सके और एक कैथारसिस की पोजिशन में आ सके। कैथारसिस भी इसी चीज़ को कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द रिप्रेस्ड इमोशंस होता है कैथारसिस। ठीक है, ये आपको रिलीफ देता है कैथारसिस। जैसे आप कोई चीज़ आपको याद आ जाती है, आप रोने लग जाते हो, ये किस्म का कैथारसिस है। ठीक है, आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, तन्हाई में बैठ के आप चीज़ों को, पुरानी जो कोई इंसिडेंट आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है अनकॉन्शियस में, तो आप उसको जो है वो तन्हाई में बैठ कर सोचते हो उसके ऊपर जो है वो कि अब मुझे क्या करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, ये आपको रिलीफ मिलता है, ये आपका कैथारसिस होता है। ठीक है, The goal of psychoanalysis is to bring that which is at the subconscious or unconscious level up to the consciousness. Psychoanalysis का जो goal है वो यही है कि आपके unconscious या subconscious में, consciousness में जो कुछ चीज़ें हैं उनको आपके conscious में लाना, क्योंकि अक्सर चीज़ें आप जब दबा देते हो तो वो आपको तंग करती हैं, जिस तरह हम patient बन जाते हैं, anxiety होने लग जाती है, depression के patient हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। इन इश्यूज़ से बचने के लिए आपकी वो जो चीज़ आपको तंग कर रही है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह किसी की डेथ हो जाती है या कोई बहुत बड़े सानहे से गुजरता है और वो रोता नहीं है, उससे जुड़ा हुआ कोई शख्स वो रोता नहीं है, तो उसको बार बार कह रहे होते हैं कि रो लो, रो लो, इसको रुलाओ, किसी तरह इसको रुलाओ, कि अगर ये ना इसने अब रोया तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हार्मफुल होगा उसके लिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो इसलिए वो वाली चीज़ है कि ये आपके अनकॉन्शियस से चीज़ों को कॉन्शियस में लाने के लिए मदद करता है साइको एनालिसिस थ्योरी जो है। गोल अकॉम्प्लिश होता है थ्रू टॉकिंग टू अनदर पर्सन अबाउट द बिग क्वेश्चन, द थिंग दैट मैटर्स एंड डाइविंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट लाई बीनीथ द सिंपल सीमिंग सर्फेस। ये हम हासिल किस तरह करते हैं, साइको एनालिसिस थ्योरी या थेरेपी कैसे की जाती है, कि आपका जो पेशेंट होता है या जो इंसान है, तो आप पेशेंट से बात करते हो, तो साइकियाट्रिस्ट, अगर जैसे आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, आप सबसे पहले वो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछना शुरू करता है। ठीक है, नाम क्या है, क्या मतलब आपने किया है, क्या नहीं किया है, बचपन कैसा गुजरा। अभी वो डायरेक्टली भी बचपन पे भी नहीं जाएगा, वो भी आपसे आपके बारे में पूछेगा बातें पहले थोड़ी, तो बहुत ना आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ, आप उस पर ट्रस्ट डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद वो आपके बैकग्राउंड में जाना शुरू करेगा कि जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं जिसकी वजह से आप उसके पास आए हो। ठीक है,
तो फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस है सिगमंड फ्रॉयड। अच्छा, इसका नाम फ्रीउड करके जो है वो स्पेल होता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है। 1856 में पैदा हुआ था और 1939 में इसकी डेथ हुई थी। ये एक ज्यू था और ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, और इस बेचारे के साथ ये उस वक्त ये नाजीज का सीन जो थी, ठीक है, जो जर्मनी और ये वो वॉर का सीन था, ठीक है, और जूस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको रेसिज्म इस किस्म का बहुत ज़्यादा था। ये एक रिलीजियस रेसिज्म आप कह लें कि जो क्रिश्चियंस हैं वो जूस को बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते थे, उनको आउटकास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसने अपनी बचपन से लेकर ही जो इसकी मेडिकल प्रैक्टिशनर ये रहा, इसकी प्रैक्टिस रही, उसमें भी इसने यही किया। इसका जो डॉक्टर था उधर का, जो एमडी था, वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। वहीं पे इसका जो एक जो कुलीग था, जो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन की बात को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वो किसी बात में जो उसका डायग्नोसिस होता था उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी और इसको नहीं दी जाती थी। तो इसने ये वाला जो बिहेवियर है ये इसने बहुत ज़्यादा अपने बचपन से लेकर एंड तक फील किया कि एक सिर्फ जू होने की वजह से ये इस तरह से कर रहा है। हालांकि ये जूस वाले जो ना वो टोपी शोपी पहनता था, ना वो इस तरह की चीज़ें, ना वो अपनी प्रे वगैरह में करता था, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा इसके साथ बिहेवियर उनका ऑड था, ठीक है। तो अब इसमें ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, मेडिकल स्कूल में इसने किया, न्यूरोलॉजिस्ट बन गया, ठीक है, और मेडिकल डिग्री इसकी 1881 में इसने ली है। और आगे इसके ग्रेजुएशन के बाद ये एक जो है वो एक हॉस्पिटल में काम करता रहा, लेकिन हॉस्पिटल का जो एमडी है उसके साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। वो इसको इसके डायग्नोसिस को मानता ही नहीं था किसी पेशेंट के लिए। जो ये ट्रीटमेंट अगर ये कुछ कहता था, प्रेस्क्राइब करता था कि इस पेशेंट के साथ ये ट्रीटमेंट करके भी देखा जा सकता है, इसकी आइडियाज़ थोड़े से डिफरेंट थे बाकियों की आइडियाज़ से, ठीक है। तो वो इसकी बात को नहीं मानता था सिर्फ इसलिए कि ये जू है, और इसलिए इसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। और तंग आकर इसने अपनी वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस छोड़ी और उसके बाद ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने लग गया अपने घर में, ठीक है। अब वहाँ पे इसका जो एक कुलीग था उसका नाम था डॉक्टर जोसेफ ब्रोर। ये जो जोसेफ ब्रोर था ये अपने पेशेंट के बारे में बात करने आता था। इसकी पेशेंट का नाम था एना क्यू, ठीक है, इसके बारे में वो बात करने आया करता था, इससे डिस्कस करता था चीज़ें। तो इस पेशेंट के साथ जो डॉक्टर ब्रोर का एक्सपीरियंस था उससे इंस्पायर होकर इसने इस चीज़ पे वर्क करना शुरू किया कि इस चीज़ को आगे लेकर भी चला जा सकता है। अब जो डॉक्टर जोसेफ ब्रोर था उसकी ये जो एना क्यू पेशेंट थी, डॉक्टर ब्रोर कहता है कि जब वो मेरे पास आई थी ना, तो वो मतलब उसको जिस तरह एक बंदा डिप्रेस्ड होता है ना, तो वो फिज़िकली भी डल फील कर रहा होता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। बज़ाहिर आप फिज़िकली ठीक होते हो, आपकी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी अगर आप टेस्ट करवाओगे, लेकिन जब आप में हिम्मत नहीं होगी चलने फिरने की, कुछ करने की, ठीक है, आपको लगेगा कि आपकी बिल्कुल जान निकल रही है और कुछ नहीं, ये एंग्जाइटी होती है। तो वो कहता है कि जब मैंने उससे उसके पास्ट के बारे में बात की, या वो कुछ चीज़ें जिन चीज़ों को वो रिप्रेस कर रही थी, ठीक है, मैंने उन चीज़ों के बारे में उससे बात करना शुरू की, तो उसकी जो ये फिज़िकल सिम्टम्स थी ना जो उसे बीमार जाहिर कर रही थी, वो कम होना शुरू हो गई, ठीक है। अब इससे फ्रॉयड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो इसके बारे में बात करेगा, और उसने फिर इसके बारे में बात करना शुरू की, बर्थ ऑफ साइकी, ठीक है, उसने अब बात की। अब फ्रूड कहता है, ह्यूमन बीइंग आर बोर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू शन वर्क एंड लेबर एंड एंजॉय रेस्ट, लेजीनेस एंड प्लेयर। वो कह रहा है कि इंसान पैदा ही वो मतलब जिसे कहते हैं ना आराम पसंदी की जो है वो उसको इंसान को लत लगी हुई है, वो पैदा ही ऐसा हुआ है कि जब वो अपनी माँ की वोम पे था तो भी उसको क्या मिल रहा था, वो आराम से मतलब सो रहा है, जाग रहा है, जो भी कर रहा है, उसको तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं ना, सभी कुछ मिल रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, कहता वही एक चीज़ उसको एक आदत पड़ गई है कि मुझे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए और मुझे काम ना करना पड़े। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तो उसे पता लगता है, पहले तो माँ खिला रही है 2 साल तक जितने भी, उसे सारे काम कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को अपने काम खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब वो खुद करने पड़ेंगे तो उसे पता चलेगा कि मुझे कुछ हासिल करने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको उसने, इस पूरी चीज़ को उसने 2 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया कि ये जो ह्यूमन साइकी है, ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं जो ह्यूमन साइकी को डेवलप करते हैं। एक है दी प्लेयर प्रिंसिपल और एक है दी रियलिटी प्रिंसिपल। जो प्लेयर प्रिंसिपल है
इसमें बच्चे की वो डिज़ायर्स हैं जो उसकी, जिस तरह की माँ के साथ जुड़ा रहना, उससे उसको रिलैक्सेशन मिलती है, वो प्लेयर फील करता है, अच्छा फील करता है कि माँ के पल्लू से बंधा रहूँ, गोद में बैठा रहूँ, कोई काम ना करूँ। और वो बड़ा होकर भी यही चाहता है कि मुझे हर चीज़ पकी पकाई देख मिल जाए और मुझे करना कुछ नहीं पड़े, ठीक है। दैट रियल लाइफ डज नॉट, लेकिन जब वो इस चीज़ को फील कर लेता है, रियलाइज कर लेता है, एक जो उसकी रियलाइजेशन होती है, तो तब शुरू होता है रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है। तो रियलिटी प्रिंसिपल जो है, वो चाइल्ड जो है वो कन्फर्म करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है, अपनी सोसाइटी की और अपनी फैमिली की। फैमिली कहती है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, खुद ही ख्याल रखना है, यू हैव टू मैनेज योर वर्क, आपको खुद करना है, आपको खाना खुद है, पीना खुद है, ठीक है, आपको अपना होमवर्क करना है, या अगर कुछ चाहिए है तो आप खुद बना लो, ठीक है, ये वाली चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर आप एक लाइफस्टाइल चाहते हो तो अर्न भी आपको खुद ही करना है उसको, ठीक है, कि पेरेंट्स नहीं देंगे। तो ये जो होती हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसको फैमिली और सोसाइटी की तरफ से फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये इन रेगुलेशंस की वजह से उसकी जो एक वो डिज़ायर्स होती हैं और जो उसकी कुछ जो उसने मतलब उसकी कुछ वांट्स एंड डिज़ायर्स होंगी, उसको वो सप्रेस कर देता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो उसको चाहिए होती हैं, वो जो अपने प्लेयर्स होते हैं, गिल्टी प्लेयर्स होते हैं, उनको वो सप्रेस कर देता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉयड प्रेजेंट करता है, प्रपोज करता है मॉडल्स ऑफ द माइंड। वो कह रहा है मॉडल्स जो हैं वो तीन रिलीजन्स, तीन उसकी जो लेयर्स होती हैं, तीन रीजन्स होते हैं इसके, ठीक है। जो माइंड है उसके तीन रीजन्स हैं, वन इज़ कॉन्शियस, द सेकंड इज़ प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, एंड द थर्ड इज़ अनकॉन्शियस। कॉन्शियस होता है जहाँ पे आपकी तमाम करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपकी जितना भी आपके एक्शंस होते हैं, जिस पे आपने मतलब जिनको फॉलो करना है, जो आप चाह रहे हो कि अब मुझे ये करना है वो करना है, रूटीन वर्क जो है आपका, और आपकी जो सोचे हैं कि अब मुझे ये करना है वो करना है, ये सारी चीज़ें आपकी आपके कॉन्शियस में होंगी, ठीक है। कॉन्शियस में करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड जो लाइफ पे आप फोकस कर रहे हो अभी, ठीक है। प्री कॉन्शियस क्या होता है, ये सब कॉन्शियस, दिस इज़ द होम ऑफ एवरीथिंग वी कैन रिकॉल और रिट्रीव फ्रॉम आर मेमोरी। वो चीज़ें जो कहीं पीछे चली तो गई हैं, लेकिन आप उसको रिकॉल कर लोगे, ठीक है, रिमाइंड कर लोगे, उसको रिट्रीव कर लोगे, उस मेमोरी को जल्दी से आपको याद आ जाएगी चीज़, ठीक है। तो ये आपकी अच्छा, अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो जैसे हम पढ़ रहे होते हैं कुछ चीज़ें बिल्कुल माइंड में हम रटा लगा के जा रहे होते हैं कि ठीक है, ये आपके कॉन्शियस में चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने सुनी है, कहीं पढ़ी हैं, वो आपके दिमाग में गई हुई हैं, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन आता है, आपको ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर जाती है चीज़ कि हाँ ये मैंने वहाँ पढ़ा था, तो दैट इज़ योर सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में थी, फ़ौरन से आ गई। अनकॉन्शियस में क्या होता है, एट द डीपेस्ट लेवल रिजाइड्स अ रिपोजिटरी ऑफ द प्रोसेस दैट डिराइव्स आर बिहेवियर इंक्लूडिंग प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल डिज़ायर्स। अनकॉन्शियस में वो चीज़ें होती हैं जिनको आप भुला बैठे हो, जो कहीं दूर चली गई हैं, लेकिन वो इतनी दूर है कि कॉन्शियस वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आपको याद नहीं आ रही हैं, लेकिन वो जो अनकॉन्शियस में यादें और इंसिडेंट्स और चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो चीज़ें आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रही हैं, ठीक है। आपके बिहेवियर पे, आपके एक्शंस पे असर अंदाज ज़रूर होती हैं। कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो आपके दिमाग में कहीं दूर चली गई है, कुछ हुआ था ऐसा, आप अभी उसे भूल गए हो, लेकिन आपके जो बिहेवियर्स होते हैं वो आपके उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तीन मॉडल्स थे माइंड के। अब वो तीन कंपार्टमेंट्स बताता है साइकी के, कि साइकी के तीन कंपार्टमेंट्स कौन से हैं। वो कहते हैं लेटर फ्रॉयड केम अप विद अ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ द माइंड, वन दैट कैन कोएग्जिस्ट विद द ओरिजिनल आइडियाज अबाउट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इन दिस मॉडल देयर आर थ्री मेटाफोरिकल पार्ट्स ऑफ द माइंड। ये तीन मेटाफोरिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज आईडी, आईडी है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, उसने कहा है, ठीक है। आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, जो आप एक वो देखते हैं ना, चार्ट भी बना होता है, ग्राफ बना होता है, वो आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो आईडी इज़ अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ईगो इज़ द साइकोलॉजिकल कंपोनेंट एंड सुपर ईगो इज़ द सोशल कंपोनेंट। और ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों मेटाफोरिकल पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आईडी क्या करता है, आईडी इज़ द प्लेस वेयर द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अंटिल डेथ स्वीप्स अवे ऑल डिज़ायर्स एंड क्योरिक थाट्स एंड एक्सपीरियंसिस एंड फीलिंग्स। It is a place that accommodates all sort of junk that a sane human being does not want to exhibit in public.
इसमें आपकी हर वो डिज़ायर होगी जो आप पब्लिकली शो नहीं कर सकते, पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो चीज़ें वो आईडी में पड़ी हैं। जैसे कोई भी बुरी चीज़, आप किसी का मर्डर करना चाहते हो या आप कोई उल्टा काम करना चाहते हो, तो ये सारा कुछ आपके आईडी में पड़ा होगा। आप किसी को बता नहीं सकते, लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे। एक इमेज बनाई हुई है ना आपने अपनी, आप अपनी इमेज ख़राब नहीं कर सकते। उस इमेज को बरकरार रखने के लिए सोसाइटी के हिसाब से आपको अपने जो चीज़ें आपको दबा के रखनी है, रिप्रेस करनी है, हाइड करनी है, वो कहाँ पड़ी हुई हैं? वो आईडी में पड़ी हुई हैं। और दिस प्लेस कैन बी कॉल्ड सबकॉन्शियस। और आईडी वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेयर प्रिंसिपल, जो पहले बात की कि दो प्रिंसिपल्स हैं, प्लेयर और रियलिटी प्रिंसिपल। प्लेयर प्रिंसिपल क्या है? जहाँ पे हर वो चीज़ जो आपको प्लेयर देती है, खुशी देती है, आपकी डिज़ायर है, कुछ ख्वाहिश है, कुछ करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, वो सारा कुछ आपके प्लेयर प्रिंसिपल हैं जो आपको प्लेयर देते हैं। और ये सब कुछ आईडी में पड़ा है, वो वाले प्लेयर्स जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते सोसाइटी में, ठीक है। और ये जो आईडी है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, टू बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स मेक अप द आईडी। कौन से बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं? एक है एरोज, दैट इज़ कॉल्ड अ लाइफ ड्राइव, एंड द अदर इज़ थैनाटोज, दैट इज़ कॉल्ड अ डेथ ड्राइव। इट्स थैनाटोज, नॉट थैनोज, ठीक है। तो अब एरोज जो है वो लाइफ ड्राइव है। दिस इज़ द लाइफ इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव दैट ड्राइव्स अस टू एंगेज इन लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, आईडी में देखें, आईडी में आपके वो ख्वाहिशात पड़ी हुई हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। अब इन पे दो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के इसमें डिवाइड होता है आईडी। एक है एरोज जो लाइफ ड्राइव को चलाता है, मतलब आपको पॉजिटिव साइड एक तरह की दिखाता है कि नहीं, लाइफ को सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, आपको कुछ गलत नहीं सोचना है। अगर आपकी ये ख्वाहिशात आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो भी लाइफ कैन गो ऑन, ठीक है, आप जी सकते हो, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक ऑप्टिमिस्टिक आपको रखता है, ठीक है, पॉजिटिव रखता है। जो सेकंड इंस्टिंक्ट है वो है थैनाटोस, दैट इज़ कॉल्ड अ डेथ ड्राइव, जो आपको पैसिमिस्टिक कर देता है। ये वो इंस्टिंक्ट है जो आपको पैसिमिस्टिक कर देगा, आपको नेगेटिव कर देगा कि नहीं, अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर जीने का ही क्या मकसद है, ठीक है। आप डिस्ट्रक्ट करोगे, आप सुसाइड की कोशिश करोगे, आप जो है वो किसी को मारने की कोशिश करोगे, आप कुछ डिस्ट्रक्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे, ये सारा कुछ आपके डेथ ड्राइव में आएगा, थैनाटोस में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो इसमें आता है मेटाफोरिकल पार्ट, वो है आपके माइंड का ईगो। ईगो कहते हैं साइकोलॉजिकल कंपोनेंट को। ईगो जो है वो बाय प्रोडक्ट है आईडी का और सुपर ईगो का। जो आईडी का है, जो बाय प्रोडक्ट है सबकॉन्शियस का, विद ऑल इट्स स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर डिज़ायर, कि अच्छी बुरी सब ख्वाहिशात, कुछ स्ट्रक्चर्ड होंगी, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड होंगी, सब ईगो जो है वो करेगा। एंड सुपर ईगो विद ऑल इट्स रिप्रेस्ड पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें सुपर ईगो की विद ऑल इट्स रिप्रेसिव पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस क्यों कहा गया? पेट्रियार्कल वैसे कहते हैं मैन मेड सोसाइटी को, क्योंकि मैन डोमिनेट करते हैं, हमारे आदमियों का कहा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मैन मेड सोसाइटी है हमारी, ठीक है। तो उसी तरह जो सुपर ईगो है, वो जो उसकी जो डोमिनेटिंग थॉट्स होती हैं, ठीक है, विद ऑल इट्स रिप्रेसिव पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस, जो सुपर ईगो है वो बेसिकली हम उसके एक्शंस को, हम उसको फॉलो करते हैं, जो वो कहता है हम उसके फॉलो करते हैं और एक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसलिए पेट्रियार्कल है, ये डोमिनेटिंग है, सुपर ईगो जो है वो डोमिनेट। आईडी वो है जो हमने छुपा के रखा हुआ है, सुपर ईगो वो है जो हम करते हैं, और ईगो वो है जो सुपर ईगो और आईडी को मिलाकर बना हुआ है, एक ऐसी चीज़ जो फिल्टर करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईगो वर्क्स टू मीट द आईडीज नीड्स इन अ सोशली अप्रोप्रिएट वे। ईगो इज़ द हैबिट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द आईडीज विल इनटू एक्शन एज इफ इट वर इट्स ओन। ईगो वैसे ही आईडी की विल को जो है वो फॉलो करेगी, उस पर एक्शन करेगी, जैसे ये इसकी अपनी विश है। मतलब हम उसको थोड़ा सा कह देते हैं कि चलो, ईगो को, जो आईडी को थोड़ी तसल्ली दे रहा है ना, वो ईगो तसल्ली दे रहा है, ठीक है, आईडी को, वो जो आपकी रिप्रेस्ड एक डिज़ायर्स हैं उसको तसल्ली दे रहा है, उसको किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत करके उसकी जो फुलफिलमेंट है वो ईगो के थ्रू हो रही है। अब सुपर ईगो जो है वो सोशल कंपोनेंट है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द माइंड इन विच मॉरेलिटी एंड हायर प्रिंसिपल्स रिजाइड, इनकरेजिंग एस टू एक्ट इन सोशली एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे। जिसमें आप अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करते हो, उसको
जो है वो एक्ट अपॉन करते हो. इट इज़ द ऑपोजिट एक्सट्रीम ऑफ आईडी. इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्शियंस. द सुपर ईगो फंक्शन एज द मिरर इन विच द ईगो सीज व्हाट इट शुड बी बट नेवर कैन बी. ठीक है, ये कॉन्शियंस से रिलेट करती है और सुपर ईगो फंक्शन करती है एज अ मिरर इन विच द ईगो सीज व्हाट इट शुड बी. ईगो जो है वो है एक हाइब्रिड है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट है जो कि मिक्स करता है आईडी और सुपर ईगो को. तो इसमें जो सुपर ईगो है ये एज अ मिरर काम करती है ईगो के लिए, जिसमें ईगो अपने आप को देखती है एज आई शुड बी बट नेवर कैन बी, क्योंकि ईगो में वो डिज़ायर्स भी हैं जो हमने कहीं छुपा के रखी हुई हैं, जो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सबके सामने, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए एज इट शुड बी बट कैन नॉट बी. ठीक है, ईगो कैन नॉट बी लाइक सुपर ईगो. तो इसमें वो नीचे मैंने नोट एक छोटा सा लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि अगर आपका आईडी स्ट्रांग होगा ना, तो वो बंदा जो है वो थोड़ा पागलपन की तरफ चला जाएगा, वो थोड़ी ऐसी हरकतें करेगा जो अनएक्सेप्टेबल होंगी सोसाइटी में. ठीक है, अगर आपका आईडी स्ट्रांग होगा सुपर ईगो से, लेकिन अगर आपकी सुपर ईगो स्ट्रांग होगी आईडी से, तो फिर आप जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी की जो एक रेशियो होती है आप उसी के अंदर ही काम करोगे, आप उससे बाहर नहीं जाओगे अपने लिमिट से. ठीक है, आप वही काम करोगे जो सोसाइटी में हो सकता है. ठीक है, और हेल्दीएस्ट साइकी वो होती है दैट कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ द सुपर ईगो एंड द नीड्स ऑफ द आईडी. ठीक है, जिसमें जो सुपर ईगो की जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी होती हों आपकी ह्यूमन साइकी, तभी एक हेल्दी होती है. और आपकी जो आईडी की नीड्स हैं वो भी आप फुलफ़िल करो, ये नहीं कि आईडी को बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि अगर वो डिज़ायर्स इतनी रिप्रेस्ड हो गई, आप उसको बिल्कुल ही एक बंद कमरे में बंद कर दोगे, तो फिर वो चीज़ें वो तभी आपको फिर एंग्जाइटी का कॉज बनती हैं. ठीक है, अब फिर उसके बाद फ्रॉयड ने दिया डिफेंस मैकेनिज्म कि ये आपकी आईडी ईगो सुपर ईगो हैं, अब ये एंग्जाइटी की कॉजेज हैं. ठीक है, कि अगर कुछ रह गया तो वो एंग्जाइटी इसलिए हो रही है. तो इसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? फ्रॉयड कहता है कि दीज थ्री पीसीज द आईडी ईगो एंड सुपर ईगो आर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एज द प्राइमरी गोल इज़ डिफरेंट फॉर ईच पीस ऑफ माइंड. जाहिर है एक कुछ चाह रहा है, एक कुछ चाह रहा है, एक कुछ चाह रहा है, तो तीनों पार्ट्स में हमेशा से जंग चलती रहेगी, क्योंकि हर एक का गोल और है. समटाइम्स व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज टू मच फॉर अ पर्सन टू हैंडल हिज ईगो में एंगेज इन वन और मोर डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल. अब जहाँ पे देखें जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन करेगा? वो ईगो ने करना है, क्योंकि ईगो पे क्या है, ईगो में सुपर ईगो का भी सारा कुछ है और ईगो आईडी का भी है. ठीक है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें सारी क्वालिटीज इधर की भी हैं और उधर की भी हैं. तो डिफेंस मैकेनिज्म भी ईगो ने करना है, ना आईडी ने करना है ना सुपर ईगो ने करना है. ठीक है, अब ईगो क्या करेगा इंसान को बचाने के लिए? वो ये करेगा, पहले कुछ जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो दिए हुए, रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन एंड सब्लिमेशन. रिप्रेशन का मतलब है कि आप उन ख्यालात को जो आपको तंग करते हैं, कोई पेनफुल और थ्रेटनिंग इवेंट्स हैं, उसको इनएक्सेसिबल बना दो टू द कॉन्शियस माइंड. आप उनको कहीं पीछे धकेल देते हो, ठीक है, कि वो कॉन्शियस तक ना पहुंच सकें. डिनायल का मतलब है कि आप उसको ब्लॉक कर देते हो, मेकिंग द इंडिविजुअल टू रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज. ठीक है, कि आप उसको वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता. जिस तरह हम लोग अक्सर देखते हैं कि अक्सर कोई किसी की डेथ को मानने को तैयार नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है उस चीज़ को. या अगर आप कोई चीज़ लूज़ करते हो तो आप उसको मानने को तैयार नहीं होते, आप मतलब एक डिनायल की पोजिशन में चले जाते हो, आप रिजिस्ट कर रहे होते हो कि ऐसा हुआ ही नहीं है. ठीक है, आप चीज़ों को कंटिन्यूस कर लेते हो, जो चीज़ जैसे चल रही थी वो वैसे ही है, आप अपनी एक ख्याली दुनिया बना लेते हो उस हिसाब से. ठीक है, जो हुआ है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डिनाई कर देते हो. फिर आता है प्रोजेक्शन, कि आप अपना जो डिसकम्फर्ट है उसको एट्रीब्यूट कर देते हो इंडिविजुअल्स अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोशंस टू अनदर पर्सन. जिस तरह अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या आप कुछ गलत सोच रहे हो, तो आप उसको प्रोजेक्ट करोगे दूसरे पर्सन पे. आप कहोगे कि उसने ऐसा किया, या आप अपनी जो गलत एक्शन है आप दूसरे पे डाल दोगे. ठीक है, कि ये उसकी वजह से हुआ है, मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं था, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया. ये वाले जो एक्शन है ये प्रोजेक्शंस हैं, कि आप जो कसूर है या आप कोई बुरी सोच है ये आप दूसरे पे डाल देते हो. या आप तो आप कहोगे कि उसी ने कर दिया, या फिर आप कहोगे उसने ऐसा किया जिसके रिएक्शन में मैंने इस तरह से किया, कि उसने मुझे मजबूर किया. ठीक है, इस तरह की चीज़ की प्रोजेक्ट कर देते हो. डिस्प्लेसमेंट, कि आप कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हो. ठीक है, कि इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई इम्पल्स बाय एक्टिंग ऑन अ सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट और पर्सन इन अ सोशली अनएक्सेप्टेबल वे. जैसे
बीवी का गुस्सा बॉस पे, या वैसे बीवी का गुस्सा बॉस पे नहीं निकलता, बॉस का गुस्सा बीवी पे निकलता है, ठीक है, शौहर का गुस्सा बच्चे पे निकलता है, या किसी का गुस्सा बर्तनों पे निकलता है, बर्तन तोड़, ये है डिस्प्लेसमेंट, कि आप इसको जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हो, आप कहीं की चीज़ कहीं पे आप जो है वो प्रोजेक्ट आई मीन कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो. रिग्रेशन, रिग्रेशन कहते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म इन विच इंडिविजुअल मूव्स बैकवर्ड्स इन डेवलप्स इन अदर टू कोप विद द स्ट्रेस, कि आप जो है वो रिग्रेस कर लेते हो, पीछे बैकवर्ड चले जाते हो, आप उस चीज़ को अब मान नहीं रहे हो, तो आप क्या करोगे, जिस तरह एक बड़ा जो है वो बच्चा बच्चा बन जाता है, ठीक है, कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाइल्ड लाइक हो गए हो, आप उस चीज़ में बिल्कुल अपने जो है वो माजी में चले गए हो, ठीक है, जैसे माजी में चले जाना, वो होता है रिग्रेशन. फिर होता है सब्लिमेशन, के डिस्प्लेसमेंट की तरह ही सब्लिमेशन होता है, लेकिन ये जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें आपका जो बिहेवियर है, जो आपका रिएक्शन है, वो होता है सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल वे, जैसे बर्तन तोड़ना या किसी पे गुस्सा करना या इस तरह उस तरह, वो होता है डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जो सब्लिमेशन होता है उसमें आप अभी का गुस्सा किसी और चीज़ पे किसी प्रोडक्टिव वे में निकाल रहे होते हो. जिस तरह आपको गुस्सा आता है, मेरी एक कज़न है, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो ना, गुस्सा आ रहा हो, डिप्रेशन हो रहा, तो वो सफाई करना शुरू कर देती है, पूरे घर की सफाई करती है, अल्लाह सब कैबिनेट्स खोल देती है और बस सफाई. ये क्या, ये प्रोडक्टिव और हेल्दी वे है अपना जो है वो गुस्सा निकालने का, एग्जर्ट करने का, वो जो एक जो एनर्जी आप में डेवलप हो रही है उसको एक पॉजिटिव साइड पे लेकर जाने के लिए, ठीक है. या फिर आप कोई फाइल बनाना शुरू हो जाते हो, आप कोई काम करना शुरू हो जाते हो, ठीक है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव जो आप करते हो वो आपको सब्लिमेशन होता है, ठीक है. अब आपको फ़र्क पता चल जाएगा सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्प्लेसमेंट में आप थोड़ा नेगेटिव कर रहे हो और सब्लिमेशन में आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, ठीक है. उसके बाद आ जाती हैं साइको, फ्रॉयड ने दिया था साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसने 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस दी. फर्स्ट स्टेज इज ओरल, सेकंड स्टेज इज एनल, थर्ड स्टेज इज फैली, फोर्थ स्टेज इज लेटेंट एंड फिफ्थ स्टेज इज जेनिटल. ये मैं नोट्स शेयर कर दी, आप इसको पढ़ लें, आई थिंक आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कहा गया है, ठीक है. और उसके बाद आ जाता है कि इसने बताया ये जो 5 सेक्सुअल स्टेजेस हैं, साइको सेक्सुअल स्टेजेस हैं, इसी से फिर आगे निकलता है ईडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो फ्रॉयड ने ही एक थ्योरी दी थी. इसकी जो हम बेस अगर लगा लें तो आप देखें, हमें ईडिपस नाम मिलता है, ईडिपस टायरेनस जो एक प्ले था, ठीक है, उस प्ले से, कि जिसमें उसमें ये था कि ईडिपस ने कि जो शादी है वो उसकी मदर के साथ हो गई थी, ठीक है, लेकिन वो गलती से हुई थी और उनके दरमियान जो भी बॉन्डिंग शॉन्डिंग थी एंड ऑल दैट. लेकिन सन्स एंड लवर्स अगर आपने जो है वो पढ़ा हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ईडिपस कॉम्प्लेक्स का सीन क्या हो रहा है. जिस तरह एक माँ जेलस फील करती है या एक बेटा जो है वो जेलस फील करता है, बेसिकली द चाइल्ड हैविंग सेक्सुअल डिज़ायर फॉर द पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सक्सेस इज़ नोन एज ऑपोजिट सेक्स इज़ नोन एज ईडिपस कॉम्प्लेक्स, मदर फिक्सेशन इसको कहा जाता है, ठीक है, कि आप जो है वो बेटियाँ जो हैं वो बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं और बेटे जो हैं वो मदर्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं. वो होता ये है कि आप शुरू से जिस तरह मदर के साथ बॉन्डिंग हुई होती है, ठीक है, और माँ के लिए आप क्लोज होते हो, तो जब बाप जो है वो अक्सर जो है वो ना मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे को टच कर रहे होते, तो बच्चा पीछे कर रहा होता है कि मतलब टच नहीं करना, आपने ना हाथ नहीं पकड़ना है. तो ये चीज़ों को इसने कहा कि ये ईडिपस कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, इसके पीछे एक और भी वजह थी कि इसने फ्रॉयड के अपने जो केसेस आए, और फ्रॉयड खुद भी ये अपने बाप से बहुत ज़्यादा डरता था और बाप के उससे बहुत ज़्यादा मतलब दूर था ना, मतलब ये बिल्कुल उसके साथ क्लोज नहीं था, और माँ के साथ इसकी बनती थी और माँ ही इसको पूछती थी, माँ ही इसकी केयर करती थी, इसका बाप हमेशा इसको डिस्करेज करता था. होता ये है कि अमूमन होता भी ऐसे ही है कि फादर्स जो हैं वो बेटियों से ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि बेटियाँ केयर कर रही होती हैं और जो बेटे हैं वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो फादर्स उनके साथ क्लोज नहीं होते हैं, और फादर हमेशा बेटों को डिस्करेज कर रहे होते हैं और बेटियों को इनकरेज कर रहे होते हैं, कुछ इस किस्म का सीन होता है. तो इस सारी चीज़ को जो है वो इसने कहा ईडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. उसके बाद आता है फ्री एसोसिएशन, जो इसने ये जो काम किए हैं फ्रॉयड ने, तो फ्रॉयड के जो काम है वो कुछ इसी किस्म के, इसने जो है वो बात की, इसने ईडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की, इसने ये जो कंपार्टमेंट्स हैं मेटाफोरिकल पार्ट्स हैं माइंड के, ठीक है, उनके बारे में बात की,
फिर इसने ड्रीम्स के बारे में बात की, इसने सेक्स के बारे में बात की। अब ये फ्री एसोसिएशन, जिस तरह ये साइको एनालिटिक थेरेपी है, उसी का नाम है फ्री एसोसिएशन। ठीक है, फ्री एसोसिएशन किसे कहते हैं? द प्रैक्टिस इन साइको एनालिटिक थेरेपी इन विच अ थेरेपिस्ट आस्क्स अ पर्सन इन थेरेपी टू फ्रीली शेयर थॉट्स, वर्ड्स एंड एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू माइंड। फ्रॉइड डेवलप्ड दिस मेथड एज ही अबैंडन्ड हिप्नोसिस। द पर्पस वॉज टू इन्वेस्टिगेट the patient's spontaneous flow of thoughts to reveal the unconscious mental process at the root of the neurotic disturbance। होता ये था फ्री एसोसिएशन में। वैसे तो ये मैंने जो मूवी देखी थी सिगमंड फ्रॉयड, आप भी मूवी देख लेंगे, तो उसमें तो वो हिप्नोटाइज किया करता था इनको ना, पेशेंट्स को अपने, तो वो हिप्नोटाइज करके और उनको फिर उनका पूछना शुरू होता था कि मतलब क्या चल रहा है। अब ये हिप्नोटाइज क्या होता है कि जिसमें एक पर्सन को एक ऐसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में लिया जाता है, वेयर अ पर्सन सीम्स टू बी स्लीपिंग बट कैन हियर एंड इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव टू सजेशन। होता ये है हिप्नोसिस में कि पर्सन को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है और हिप्नोटाइज करके उसको मतलब एक स्लीपीनेस में ले दिया जाता है कि वो डिजी है और वो सो गया है, लेकिन बेसिकली वो सब कुछ सुन रहा होता है और वो जो सुन रहा होता है उनको जवाब भी दे रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और ये फ्री एसोसिएशन में ये होगा कि आप जो है वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, जो भी कुछ उसके दिमाग में आ रहा होगा वो बिना किसी रिस्ट्रेंट के वो बता रहा होगा, वो कोई उसमें फ्लो में जो है वो कोई भी हर्डल नहीं होगी। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो में बात होगी। अब आता है ड्रीम एनालिसिस। अच्छा, जो आपको आ जाता है कि सिगमंड फ्रॉयड ने कौन सी बुक्स लिखी थी, तो बुक्स के नाम इसके जो हैं वो ये जो थेरीज हमारी साइको एनालिटिक थेरी में डिस्कस हुई हैं उसके हिसाब से आप इन बुक्स के नाम चार के लिख लें। तो ये हैं, एक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, दूसरी है थ्री एसेज ऑन थेरी ऑफ सेक्शुअलिटी, थर्ड बुक है द ईगो एंड द आईडी, और फोर्थ बुक है अ जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस। ठीक है, ये चार बुक्स जो हैं वो सिगमंड फ्रॉयड ने लिखी थी। अब आते हैं सिगमंड फ्रॉयड ने ड्रीम एनालिसिस के बारे में क्या कहा, क्योंकि इसने अपने पेशेंट्स को ट्रीट ही इसी तरह, ये ड्रीम एनालिसिस, वो कहता था कि ड्रीम्स जो हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट हैं। इसने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया कि ड्रीम्स आपकी विश फुलफिलमेंट है, कि आपकी ऐसे विशेज और डिज़ायर्स जो आप रियल लाइफ में फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, वो आप थ्रू योर ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो अपने ड्रीम्स में जो आप वैसे नहीं कर सकते, ऐसी डिज़ायर्स जो आपके आईडी में पड़ी हुई हैं जो आप वैसे पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, आप अपने ड्रीम्स में वो सब कर सकते हो। ठीक है, और ड्रीम्स आपको जो है वो एक किस्म का एक प्लेयर है, एक सोर्स ऑफ प्लेयर है, एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है, सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन है, कि किसी तरह तो आपकी वो डिज़ायर्स कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो रही होती हैं। ठीक है, वंस ड्रीम्स कैन गिव वैल्यूएबल इंसाइट इन, और वो कह रहा था कि अगर हम किसी के ड्रीम्स को जो है वो सुने, हम किसी के कोई हमें अपने ड्रीम्स बताना शुरू करें, तो इट कैन गिव अ वैल्यूएबल इनसाइट इनटू द अनकॉन्शियस माइंड। हम किसी के ड्रीम्स के थ्रू भी उस बंदे के अनकॉन्शियस में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ड्रीम्स में वही कुछ आएगा। वो कहते हैं ना, हम अक्सर कोई ख्वाब देखें तो कहते हैं हाँ तुम ऐसा सोच रहे हो गए थे तभी तुम्हें ख्वाब आ गया, इस तरह का ना। तो वो कहता था कि हम किसी के अनकॉन्शियस में पहुंचना हो तो हम उसके ड्रीम्स के बारे में बात कर सकते हैं। वो बंदा हमें अपने रियल ड्रीम्स बताने लग जाए तो हम उसके वो उसको जो भी प्रॉब्लम्स फील कर रहा है या जो भी फील कर रहा है वो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, मैं साइकेट्रिस्ट के पास बचपन में गई थी तो उसने भी मुझे यही कहा था। मुझे ख्वाब अजीब अजीब से आते थे, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ सैरिंग करती रहती थी और चलती रहती थी। तो उसने मुझे यही कहा था कि आप जो ड्रीम आपको आता है ना, आप उसका स्केच बना के दो। तो मैं बैठ के वहाँ पे बनाती रहती थी और वो देखती रहती थी और कुछ इसी किस्म का सीन चलता रहता था। खैर, इट वाज हेल्पफुल कि ख्वाब आना बंद हो गए थे। ठीक है, तो 1900 में इसने अपनी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है वो पब्लिश की बुक, इन विच ही आउटलाइंड इज हाइपोथेसिस दैट द प्राइमरी गोल ऑफ ड्रीम्स वाज टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल विद विश फुलफिलमेंट। ठीक है, उसने फिर डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द मैनिफेस्ट कंटेंट, ड्रीम के दो हिस्से उसने बताए कि ड्रीम का जो है वो क्या उसको कैटेगराइज किया जाए, एक है मैनिफेस्ट कंटेंट और एक है लेटेंट कंटेंट। जो मैनिफेस्ट कंटेंट है इट इज़ द एक्चुअल लिटरल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ड्रीम्स, और दूसरा है आपके पास लेटेंट कंटेंट। लेटेंट कंटेंट में वो होता है जो आपको मतलब ताबीर
आप कहोगे जो ख्वाब आपको नज़र आया दैट इज़ मैनिफेस्ट कॉन्टेंट, वट एक्चुअली हैपन्ड, वट वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ड्रीम, एंड वट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रीम इज़ कॉल्ड द लेटेंट कॉन्टेंट, कि उसकी ताबीर क्या है. जैसे आप ग्रीन देखते हो दैट मीन्स गुड, रेड या ब्लैक देखते हो दैट मीन्स बैड, वाइट देखते हो पता नहीं कुछ इसी किस्म का जो भी कुछ होता है, फूल देखते हो तो अच्छा है, कोई वो कहते हैं ना कोई डेड पर्सन आपको कुछ दे के जाता है तो शायद अच्छा है, कुछ लेकर जाता है तो बुरा है, कुछ इस तरह की ताबीरें हैं. तो वो जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट कॉन्टेंट, और जो एक्चुअली नज़र आया दैट इज़ मैनिफेस्ट कॉन्टेंट. ठीक है. द पर्पज ऑफ ड्रीम इज़ टू ट्रांसफर द फॉरबिडन विशेज एंड डिज़ायर्स इन टू अ नॉन थ्रेटनिंग फॉर्म थ्रू कॉन्डेंसेशन, कि इसका ड्रीम का मकसद ही ये है कि आपकी जो हिडन डिज़ायर्स हैं आप उनको जो है वो आप किसी तरह फुलफिल करें. तो कॉन्डेंसेशन क्या होगी? कॉन्डेंसेशन इज़ व्हेन अ सिंगल आइडिया, इमेज, मेमोरी, थॉट और अ ड्रीम ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर सेवरल एसोसिएशन ऑफ एंड आइडियाज, एक ही चीज़ के डिफरेंट मतलब निकलते हों. ठीक है, आपको कुछ ड्रीम किसी चीज़ के बारे में आता है तो उसकी डिफरेंट किस्म की ताबीर निकलती हो, डिफरेंट किस्म की, या तो हो कि वो सिर्फ आपकी सोच है या फिर वो किसी चीज़ की प्रिडिक्शन हो या फिर वो आपको कुछ बताना चाह रहे हो, तो ये एक ही चीज़ के जो डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशंस होंगी, डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होंगी, वो आपको वो कहलाती हैं कॉन्डेंसेशन. ठीक है. इन ड्रीम्स मल्टीपल ड्रीम थॉट्स आर ऑफ्टन कंबाइंड एंड अमेलगमेटेड इनटू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द मैनिफेस्ट ड्रीम, कि मतलब वही है ना कि सिंबल्स जो है ना वो आपकी हो जाती हैं. अच्छा, इंशाल्लाह ये तो सिगमंड फ्रॉइड का था. इंशाल्लाह कल कार्ल यूंग एंड येक लैकन की हम करेंगे ये साइकोएनालिटिक थ्योरी को कंटिन्यू. थैंक यू सो मच.